आपका नाम? यहाँ के प्रमुख पुजारी बाबूलाल गौतम जी। अच्छा, और बाकी मंदिर के इतिहास के बारे में बताइए थोड़ा। 18 फीट की मूर्ति है। हाँ, 9 फीट में दर्शन हो रहा है। और हर वर्ष ये मूर्ति बढ़ती है चावल के दाने के बराबर। अच्छा, हर वर्ष चावल के दाने के बराबर मूर्ति बढ़ती है। इस मूर्ति को मुगलों ने खंडित नहीं कर पाया है। हाँ, इसीलिए इसकी पूजा हो रही है। हाँ, और इस मूर्ति के नीचे मणि है। मणि है। हाँ, सबरी जिनके आश्रम में रहती थी मतंग ऋषि के, उन मतंग ऋषि की दी हुई मणि है। उनने पांडवों को दी थी। पांडवों के बाद यहाँ के यशोवर्मन नाम के राजा को प्राप्त हुई थी। उनको स्वप्न हुआ विश्व के कल्याण हेतु आप यहाँ रखवाई, तो मूर्ति से टच करके मणि को रखवाया। उसी समय पर एक मंदिर बना, 8वीं सदी का एक मंदिर बना हुआ। और जो भी दूर दराज के आते हैं बताते हैं कि हमारी मंदिर की मनोकामना, और हर शिवरात्रि को उनका विवाह संस्कार मनाया जाता है। लाखों की तादाद में लोग जुड़ते हैं। मेला लगता है 15 दिन का और बड़े धूमधाम से शादी समारोह मनाया जाता है। अंदर से साफ होना चाहिए, अंदर कोई भी गंदी मूर्ति नहीं है। अच्छा, और सूर्य किसी भी एंगल में हो तो अंदर की मूर्ति तक रोशनी जाती है। अंदर की मूर्ति तक रोशनी जाती है। रोशनी तक वो रहेगा। जिस एंगल से उन लोगों ने बनाए हो प्रकाश रहेगा मंदिर में, अंधेरा नहीं रहता किसी मंदिर में। अंधेरा रहना चाहिए, मंदिर में अंधेरा नहीं, अंधेरा नहीं रहता है किसी भी एंगल में। सूर्य पूरब में होता है, पश्चिम में सूर्योदय होगा, रोशनी आ जाएगी। सुबह कितने बजे खुलता है? सूर्योदय से सूर्य अस्त रहता है। हाँ, सब दिन हो जाए बड़ा। हाँ, सूर्योदय वही ये मंदिर अंदर जाने का ये यहाँ भी है। उधर से है गेट, आप वहाँ से चालू हो गए तादाद के बगल से। नहीं, वो तो हमने देख लिया आज, तो उस गेट से
ठीक आ रहा है नई शादी हुई आपकी? अच्छा अच्छा, क्या यहीं के रहने वाले आप? अच्छा, हमारी नई नई निकली, हमारे लिए 37
अच्छा धाम के आए थे दर्शन, आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, हमारी भी मैरिज एनिवर्सरी है आज। हमारी भी वही 28 अप्रैल 86 आप कहाँ के रहने वाले? अच्छा हाँ मालूम है, कोटा गए हैं। कोटा में करने दो ना, पूजा करते हुए ले लेते हैं थोड़ा सा। दिल्ली वैसे मध्य प्रदेश के ही हैं, सागर सागर के रहने वाले हैं, दिल्ली में नौकरी के चक्कर में चले गए। टोटल 12 है लेकिन दो ज्योतिर्लिंग के दो भाग है, जब दोनों भाग को दर्शन हो तो भी नंदी कहाँ पे है? पार्वती नहीं यानी भोले भोले शंभु मैं काशी नगरी आई हूँ, अरे भोले अरे शंभु मैं महाकालेश्वर में आई हूँ, सुना है हमने ओ भोले तेरी का काशी में गंगा।
खजुरावा में मतेश्वरी है निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं
अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयः शूल निर्मूलनम शूल पाणिम भजेहम भवानी अनातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मतारी महानाथ पादार विनम भजंती शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासं निर्वाण रूपं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं न जानामि योगं जपं नैव पूजां रतोऽहं सदा सर्वदा सम्भूतोऽभ्यं जरा जन्म दुःखोदताप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो नमामीशमीशा ब्रह्मवेद स्वरूपम् तं विप्रीणहर्तुषै ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति। आपका नाम? यहाँ के प्रमुख पुजारी बाबूलाल गौतम जी। अच्छा, और बाकी मंदिर के इतिहास के बारे में बताइए थोड़ा। 18 फीट की मूर्ति है। हाँ, 9 फीट में दर्शन हो रहा है और हर वर्ष ये मूर्ति बढ़ती है चावल के दाने के बराबर। अच्छा, हर वर्ष चावल के दाने के बराबर मूर्ति बढ़ती है। इस मूर्ति को मुगलों ने खंडित नहीं कर पाया है। हाँ, इसीलिए इसकी पूजा हो रही है। हाँ, और इस मूर्ति के नीचे मणि है। मणि है। हाँ, सबरी जिनके आश्रम में रहती थी मतंग ऋषि के, उन मतंग ऋषि की दी हुई मणि है। उनने पांडवों को दी थी। पांडवों के बाद यहाँ के यशोवर्मन नाम के राजा को प्राप्त हुई थी। उनको स्वप्न हुआ विश्व के कल्याण हेतु आप यहाँ रखवाई, तो मूर्ति से टच करके मणि को रखवाया। उसी समय पर ये मंदिर बना, 8वीं सदी का ये मंदिर बना हुआ। और जो भी दूर दराज के आते हैं बताते हैं कि हमारी मन की मनोकामना पूरी होती है। और हर शिवरात्रि को उनका विवाह संस्कार मनाया जाता है, लाखों की तादाद में लोग जुड़ते हैं। मेला लगता है 15 दिन का और बड़े धूमधाम से शादी का समारोह मनाया जाता है।
श्री कृष्णचंद्र का अंदर से साफ होना चाहिए, अंदर कोई भी गंदी मूर्ति नहीं है, प्रकाश है। हाँ, हाँ। और सूर्य किसी भी एंगल में हो तो अंदर की मूर्ति तक रोशनी जाती है, अंदर की मूर्ति तक रोशनी जाती है। हाँ, रोशनी तक वो रहेगा। हाँ। जैसे एंगल से उन लोगों ने बनाए हो। हाँ। प्रकाश रहेगा मंदिर में, अंधेरा नहीं रहता किसी मंदिर में। अंधेरा रहना चाहिए, मंदिर में अंधेरा नहीं, अंधेरा नहीं रहता किसी भी एंगल में। सूर्य सूर्योदय होगा, रोशनी आ जाएगी। सुबह कितने बजे खुलता है सूर्योदय? से सूर्य अस्त रहता है। हाँ, सब दिन हो चाहे सूर्योदय। वही मंदिर अंदर जाने का ये है? वो से है गेट, वहाँ से चालू हो गया तालाब के बगल से। नहीं, वो तो हमने देख लिया आज, तो उस गेट से ऊपर से करना, ऊपर से।
बनाने वाला भी ये संसार है। 1100 साल पुराना है। अभी नई शादी हुई आपकी? अच्छा अच्छा, क्या यहीं के रहने वाले आप? अच्छा, हमारी नई नई निकले, हमारी भी 37वीं है, मेरी जन्मवर्षरी आज। अच्छा, बागेश्वर धाम के आए थे दर्शन। आपकी मेरी जन्मवर्षरी है, हमारी भी मेरी जन्मवर्षरी है आज। बहुत बहुत बधाई हो। 37 होने वाली, हमारी 37, हमारी भी 37 है। अरे वाह, ये तो पार्टी डबल।86 की हमारी भी वही 28 अप्रैल 86 मंदिर भी वही है। आप कहाँ के रहने वाले? कोटा, राजस्थान। अच्छा, हाँ मालूम है, कोटा गए हैं। कोटा में करने दो ना, पूजा करते हुए देख लेते हैं थोड़ा सा। दिल्ली में से मध्य प्रदेश के ही हैं, सागर, सागर के रहने वाले हैं। दिल्ली में नौकरी के चक्कर में चले गए। भगवान ने बुला लिया।
14 होते थे भी 12 होते 14 करने पड़ते 12 होते अच्छा दो ज्योतिर्लिंग के दो भाग हैं टोटल 12 है लेकिन दो ज्योतिर्लिंग दो भाग है जब दोनों भाग को दर्शन होगा तो एक ही नंदी कहाँ पे पार्वती नहीं यानी बोले हरे शंभु मैं काशी नगरी आई हूँ अरे बोले हरे शंभु मैं कामेश्वर में आई खजुरावा में मतेश्वर है मोती को पाने को
स्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् नमामि शमीशादनिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निराकारमोङ्कारमूलम् पारं नतोऽहं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं ब्रह्मवेदस्वरूपं तुषारादिसङ्काश कौरङ्गभीरं मनोमीतकोटिप्रभाषी शरीरं सुरनिर्मौलिकल्पम् पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति।